नमस्कार, आप देख रहे हैं दायंगल और मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। प्रदेश में कोरोना महामारी को जन सहयोग के माध्यम से नियंत्रित करने के मुद्दे पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पक्ष विपक्ष सहित प्रदेश के तमाम जनप्रतिनिधियों से चर्चा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुए इस कार्यक्रम में पक्ष विपक्ष के तमाम जनप्रतिनिधियों ने सरकार के साथ एकजुट होकर कोरोना के खिलाफ जंग लड़ने में अपनी प्रतिबद्धता जताई। लेकिन इस बैठक में एक और बात खास रही जिसने राजस्थान की सियासत में एक बार फिर हलचल मचा दी है। प्रदेश को जल्द से जल्द कोरोना महामारी से मुक्त कराने के उद्देश्य से आयोजित किए गए इस मेगा संवाद कार्यक्रम में तमाम जनप्रतिनिधियों के साथ ही भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के अलावा राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की कद्दावर नेता वसुंधरा राजे भी शामिल हुई। खास बात ये रही कि कार्यक्रम के दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार के प्रयासों की खामियां गिनाने के बजाय उन्हें सराहा और इन्हें किस तरह ज्यादा बेहतर किया जा सकता है इसके लिए अपने जरूरी सुझाव भी दिए। वसुंधरा राजे ने कहा कि इस वैश्विक महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए जरूरी है कि किसी भी प्रकार की सभाओं का आयोजन नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही राज्य सरकार को लोकल लेवल पर विभिन्न जगहों पर एक एक हेल्प डेस्क भी बनानी चाहिए ताकि लोगों की समस्याओं का समय पर उचित समाधान हो सके और उन्हें अपने छोटे छोटे कामों के लिए घर से बाहर निकलना ना पड़े। हालांकि इन सुझावों को देने में राज्य का कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं था, लेकिन एक बार फिर से चर्चा चल निकली है कि राज्य मुख्यमंत्री गहलोत का पूरा साथ दे रही हैं ताकि विपक्ष के सामने वो कमजोर ना पड़े। बता दें कि राजस्थान की सियासत में कुछ समय पहले गठित हुए घटनाक्रम के दौरान भाजपा नेता जहां लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस पर हमलावर थे, वहीं इस पूरे मामले पर राजे ने चुप्पी साधे रखी थी। तब कहा जा रहा था कि हो ना हो सत्ता बचाने को लेकर गहलोत और राजे को लेकर कुछ ना कुछ खिचड़ी जरूर पक रही है। अब जब राजे ने कोरोना मेगा संवाद के दौरान भी गहलोत सरकार की कोशिशों को खुलकर सराहा तो इन बातों को एक बार फिर से हवा मिल गई है।